माहौल है जम्मू में ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, न केवल लड्डू बांटे जा रहे हैं बल्कि मिठाई भी आप खिला रहे हैं। आज निर्णय ऐसा आया, ये 5 जजी जो हैं, इनको मैंने तिलक लगाया। इसका मतलब ये है कि ये तिलक के भागीदार हैं। आज 70 वर्ष के बाद ये जो निर्णय आया है, ये उन नेताओं के ताबूत के अंदर आखिरी कील है। अब इसके विषय के अंदर कोई बोलने का प्रयास नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला करा है, और ये फैसले के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री जिसने पार्लियामेंट के अंदर फैसला करा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजिस जिन्होंने यहाँ निर्णय दिया, आज आखिरी ताबूत के अंदर कील लग गया है। ये जीत हिंदुस्तान की जनता की जीत है और देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जीत है, जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा था कि ये अस्थाई है, उस पर भी आखिरी कील ठोकी गई है। जब उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया ये अस्थाई है, चाचा नेहरू की गलती है, और चाचा नेहरू की गलती होने के बाद इसको अस्थाई यहाँ डेट करा था, अब समाप्त हो गया है। तो अब क्या सिर्फ लड्डू और बैंड बाजे तक ही रहेगा या? नहीं जी, बड़ी आगे जाएगा और जश्न होंगे। ये जश्न 1 महीना चलेंगे और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चलेंगे। जश्न मनाया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये देखिए किस तरह से यहाँ ढोल नगाड़े बजाकर धारा 370 पर जो मोहर लगाई है, धारा 370 के हटने पर जो मोहर लगाई है, केंद्र सरकार के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, उस पर जम्मू में जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं।